नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप ये पौधे देख रहे हैं ये लीची के 5 से 6 साल पुराने पौधे हैं जिस पर अभी कुंटलो लीची लगी हुई हैं। दोस्तों, अगर आप भी लीची का पौधा उगाना चाहते हैं और स्वादिष्ट लीची खाना चाहते हैं या फिर लीची की खेती करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको बताएंगे आप इसका पौधा कैसे ले सकते हैं। नंबर आपको प्रोवाइड करेंगे, नंबर पे कॉल करके आप पौधा ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो लीची है ये बहुत ही शानदार वैरायटी आज हम आपको दिखा रहे हैं। जो हम वैरायटी आप पौधे जो हैं ये देख रहे हैं दोस्तों, ये शाही लीची के पौधे आप देख रहे हैं। इसके आगे दोस्तों ये देहरादून लीची है। दोस्तों, इसके बाद जो है ये स्वर्ण रूपा लीची जो अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो अभी ये गमले में लगा हुआ पौधा है ये अरली बेदाना लीची का है। दोस्तों, इन सभी वैरायटी के जो है आप पौधे गमले में लगाकर भी अपने घर पर रख सकते हैं। अगर जगह कम है, टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो ऊपर भी रख सकते हैं, टेरेस गार्डन पे भी आप इसके पौधे उगा सकते हैं। वरना दोस्तों, आप अगर खेती करना चाहते हैं तो इसके पौधे लगाकर आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इसके पौधे पर आप अभी देख सकते हैं कितना अधिक मात्रा में लीची लगी हुई है। दोस्तों, लीची का कलर इतना ज़्यादा देखने में रेड है, देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लीची लगती हैं। दोस्तों, इसका 1 से 1.5 साल के पौधे पर ही लीची लद कर आना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों, बड़े गमले में अगर इसको लगा दें वहाँ पर भी बहुत अधिक लीची इस पर आ जाती हैं। दोस्तों, अगर मिट्टी में लगा दें फिर तो इसकी कोई बात ही नहीं है, खेत में तो ये कई कुंटल लीची दे देती हैं ये लीची के पौधे। दोस्तों, इस लीची के पौधे को लगाते किस तरह से, इसकी खेती किस तरह से करते हैं, इस बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों, पौधे लगाने का जो समय है वो जून से जुलाई महीना है लीची का। अगर आप घर पे लगाना चाहते हैं 1-2 पौधा वो आप किसी भी महीने में लगा सकते हैं। दोस्तों, पौधे से पौधे की दूरी, खेत में अगर हम प्लांटेशन कर रहे हैं तो लगभग 15 फीट पौधे से पौधे की दूरी, 15 फीट लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी पड़ेगी। दोस्तों, लीची की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिसमें पानी ना भरा रहे ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि रेतीली मिट्टी अच्छी रहती है। दोस्तों, लीची की खेती के लिए पीएच मान 5.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए, इसमें आप लीची की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, जनवरी और फरवरी के महीने में लीची के पौधे पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, फिर ये फूल धीरे धीरे फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं और फिर कुछ महीनों के बाद, यानी कि 3 से 4 महीनों के बाद ये लीची पूरी तरह से तैयार हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसके पौधे लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।